हाय बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत नए लाभ अनुपात यानी प्रॉफिट टू रेशियो से आपका क्या तात्पर्य है, इसे निर्धारण करने की कौन कौन सी शर्तें हैं वर्णन करें, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ नील प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग दी इनकमिंग पार्टनर पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नॉन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए साझेदार सहित सभी पुराने साझेदारों द्वारा फॉर्म के भविष्य के लाभ एवं हानियों का बंटवारा जिस अनुपात से करते हैं उसे नया लाभ विभाजन अनुपात कहते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात निर्धारण करने के उद्देश्य नए साझेदार के आगमन अर्थात प्रवेश पर पुराने साझेदार अथवा वर्तमान साझेदारों के द्वारा
नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ के हिस्से हिस्सों को समर्पण करते हैं। समर्पण करते हैं अर्थात देते हैं, जिसके कारण उनके पुराने लाभ अनुपात में कमी आती है। फलतः भविष्य के लाभ एवं हानियों के बंटवारा हेतु नए लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित चार स्थितियां यानी केसेस हैं। केस फर्स्ट, जब नए साझेदार का नया अनुपात एवं पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात दिया रहे। इसके अलावा कोई सूचना न दिया रहे। When new partner partners share and old partners share are given,
साइड्स एनी नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, ऐसी स्थिति में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए निम्न स्टेप्स को अपनाना चाहिए। स्टेप फर्स्ट, फर्स्टली राइट डाउन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन द न्यू फॉर्म। स्टेप टू, राइट लेट टोटल न्यू फॉर्म्स शेयर to be one. Step 3, find out remaining shares. Remaining share equal 1 minus new partner total profit minus new partner share। ये फॉर्मूला है remaining share फाइंड आउट करने का। स्टेप 4, नाउ फाइंड आउट ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसके लिए फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप फिफ्थ, लास्टली फाइंड आउट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ऑफ ऑल पार्टनर, यानी सभी शेयरधारक नंबर फर्स्ट के आधार पर एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकेंगे। इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, राम एंड मोहन आर पार्टनर्स, यानी राम और मोहन एक दोनों साझेदार हैं। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, उनका लाभांश अनुपात 3:2 है। शिवम एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, शिवम को 1/4 भाग लाभ के हिस्से में दे करके प्रवेश दिया गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ में नया लाभांश अनुपात गणना करना है। तो सर सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। दिया हुआ क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ शिवम और राम एंड मोहन, ठीक है, ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड मोहन इक्वल टू 3:2, और इसे हम लिख सकते हैं 3:5:2, क्यों, क्योंकि 3 और 2 का सम ऑफ प्रोपोर्शन 5 होगा। एंड न्यू पार्टनर न्यू शेयर ऑफ शिवम इन द न्यू फॉर्म इक्वल 1/4 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। शर्त के अनुसार यहाँ पर नया साझेदार का नया हिस्सा दिया हुआ है और पुराने साझेदार का पुराना हिस्सा दिया हुआ है, इसके अलावा कोई सूचना नहीं दिए हुए हैं। तो स्टेप थर्ड में मान लेंगे, यानी लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फॉर्म इक्वल 1। नाउ रिमेनिंग शेयर इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर है शिवम, शिवम्स शेयर टोटल प्रॉफिट 1 और शिवम का शेयर है 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 4 में तो 4 टाइम्स होगा, 4 × 1 यानी 4, 4 डिनोमिनेटर से एलसीएम 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा 1 × 1, डिडक्ट करने के बाद ये बचेगा 3/4 जो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है, ओल्ड पार्टनर है राम एंड मोहन। सो अगला स्टेप लेंगे, न्यू शेयर फाइंड आउट न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू शेयर ऑफ राम इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर ऑफ राम, यहाँ रिमेनिंग शेयर 3/5/4 है और ओल्ड शेयर ऑफ राम जो यहाँ पर है 3/5 है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जगह 9/20। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे
न्यू ईयर ऑफ मोहन, फॉर्मूला वही ले लेंगे, रिमेनिंग ईयर इनटू ओल्ड ईयर ऑफ मोहन। अब यहाँ मोहन का ओल्ड ईयर से मल्टीप्लाई करनी है रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग ईयर है 3/4 इंटू 2/5, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 6/20। Therefore, new profit sharing ratio of Ram, Mohan and Shivam. राम का नी प्रॉफिट आया है 9/20, रेशियो शिवम का आया है 6/20 रेशियो, और शिवम का जो है 1/4 है, यानी क्रमशः है राम, मोहन और शिवम। राम का नी प्रॉफिट 9/20, मोहन का होगा 6/20 और शिवम का हो जाएगा 1/4। अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए सभी भिन्न फ्रैक्शन के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9/20 इसका एलसीएम सबका हो जाएगा 20, 20 चार का हो जाएगा 20 हो जाएगा, यही 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 रेशियो 6/20 इंटू 20 रेशियो 1/4 इंटू 20, 20 से 20 कट जाएगा, 4 से 25 टाइम से कटेगा, इस प्रकार हमें प्राप्त रेशियो आ जाएगा 9:6:5। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/20, 6/20 और 5/20।